हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वेरी रिव्यूज़। कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो। गाइस, आज हम बात करने वाले हैं एक हेयर ऑयल के बारे में, एक ऐसे ऑयल के बारे में जिसका नाम आपने बचपन से ही फॉर श्योर सुना ही होगा। मैं बात कर रही हूँ इस ऑयल के बारे में जिसका नाम है पैराशूट 100% प्योर कोकोनट ऑयल। आई एम श्योर इस प्रोडक्ट को किसी भी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पैराशूट 100% प्योर कोकोनट ऑयल हम सभी के घर में इजीली अवेलेबल है। आप चाहे कहीं पर भी रह रहे हों, इंडिया के किसी भी पार्ट में, अगर आप एक इंडियन हैं तो आपके घर में ये बॉटल, साइज़ कोई भी वेरी हो सकता है, छोटा बड़ा किसी भी साइज़ की बॉटल होगी, लेकिन आपके घर में फॉर श्योर होगी। हम बात करेंगे कि पैराशूट 100% प्योर कोकोनट ऑयल क्या वाकई में प्योर है या नहीं। मार्केट के अंदर हर प्रोडक्ट का, किसी ना किसी चीज़ का आपको ऑयल मिल जाएगा। अगर आलमंड की बात करें तो आलमंड ऑयल मिल जाएगा, अगर आप कोकोनट की बात करें तो कोकोनट ऑयल मिल जाएगा, आप किसी भी चीज़ की बात करें आपको उसका ऑयल मिल जाएगा। जानने के लिए बताना चाहूँगी मैं आपको कि जो कोकोनट है उसका इंटेक हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, स्पेशली हमारे हेयर के लिए भी। साउथ इंडिया के अंदर आपको मालूम है कि कोकोनट का यूसेज वो लोग बहुत ही ज़्यादा करते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक्चुअली हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होता है, एज़ वेल एज़ हमारे हेयर ग्रोथ के लिए भी बहुत अच्छा होता है। बट क्या ये ज़रूरी है कि अगर किसी पर भी कोकोनट लिखा हो या किसी पर भी आलमंड लिखा हो तो वाकई में क्या वो प्योर चीज़ है या नहीं? इस वीडियो को ज़रूर अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल सके। गाइज, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ इसे शेयर करना मत भूलिएगा और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स देना भी मत भूलिएगा। और अगर आपको हेयर केयर प्रोडक्ट्स के बारे में और जानकारी चाहिए तो आप प्ले लिस्ट में जाकर भी चेक कर सकते हैं, वहाँ पर आपको डिफरेंट वेरियंट्स मिल जाएंगे। अगर बात करूँ मैं किसी कोकोनट ऑयल की, सबसे पहले नाम हमारे दिमाग में आता है पैराशूट का। इंडियन मार्केट के अंदर सबसे ज़्यादा ट्रस्टवर्थी प्रोडक्ट में से एक है। अगर आप माने तो ये प्रोडक्ट की इसका जो लुक है, इतना विंटेज लुक है, कितना पुराना ये लुक है इसका, जो कि अभी तक कंपनी ने इसे चेंज नहीं करा। मेरी को जो याद है, मैंने अपने बचपन से इस बॉटल का कलर यही ही देखा है और इसी तरीके से ये पैटर्न रहा है। कुछ भी इन लोगों ने इसकी ग्राफिक्स भी चेंज नहीं करी है, तो इसका मतलब ये कंपनी का कितना इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है गाइज। और कंपनी इस पर, और सबसे अच्छी बात है, इतना प्रोडक्ट पुराना होने के बावजूद भी लोग इसे खरीद रहे हैं, क्योंकि इसने प्रोडक्ट ने जो इंडियंस व्यूअर्स हैं, इंडियन जो लोगों को सबसे बड़ा कि दिल जीता हुआ है, और मोर ओवर लोग इस प्रोडक्ट पे ट्रस्ट भी करते हैं, तो ये सबसे बड़ी बात है। आप अगर एक इंडियन हैं तो जानकारी के लिए बता देती हूँ कि इंडियन मार्केट में सबसे ज़्यादा बिकने वाला प्रोडक्ट है पैराशूट 100% प्योर कोकोनट ऑयल। और कुछ लोगों का मानना है कि ये प्रोडक्ट खाने में भी यूज़ किया जा सकता है, क्योंकि इस पर लिखा है अ प्रीमियम क्वालिटी 100% प्योर एडिबल ऑयल मेड फ्रॉम द फाइनेस्ट कोकोनट्स। और एडिबल ऑयल का मतलब आप सबको मालूम है, जो खाने वाला ऑयल होता है। तो मतलब कि, और जहाँ तक हम सबको याद है या फिर हम लोगों ने देखा है बचपन से ही अपने, कि एड्स हमने देखी हैं हेयर ऑयल से रिलेटेड, ना कि कभी ऐसे एडिबल ऑयल की हमने एड्स देखी हैं। तो प्रेफरेबली आप इसको, हम लोगों ने बचपन से भी एज ए हेयर ऑयल ही इसे यूज़ किया है, तो आपसे भी यही है कि आप इसे एज ए हेयर ऑयल ही यूज़ कीजिए। और सबसे बड़ी बात बताना चाहूँगी कि इस एज ए हेयर ऑयल ही नहीं आप इसे यूज़ करते, आप इसको डिफरेंट डिफरेंट एज ए नुस्खों में भी इसे यूज़ कर सकते हैं। मतलब और बहुत सारे यूज़फुल तरीके हैं इसे यूज़ करने के, क्योंकि बाकी सब चीज़ों के अंदर आपने नोटिस करा होगा कि उसके लिए प्रेफरेबली अगर लिखा होता है हेयर ऑयल तो ही उसे यूज़ किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल, कितनी क्रीम्स आती हैं, अगर वो कुछ क्रीम्स होती हैं फेस पे लगाने के लिए, कुछ क्रीम्स होती हैं सिर्फ बॉडी पे लगाने के लिए, कुछ क्रीम्स होती हैं सिर्फ आई पे लगाने के लिए, तो कुछ क्रीम्स होती हैं सिर्फ लिप्स पे लगाने के लिए, बट इस पर ऐसे कोई भी स्पेसिफिकेशंस नहीं है गाइज। अगर मैं बात करूं इस प्रोडक्ट के बेसिक डिटेल्स के बारे में, जो मेरे हाथ में बॉटल है, ये जो बॉटल है इसकी क्वांटिटी है 100 मिलीलीटर की, इसका प्राइस है 40 रुपीज़ का।
अगर आपको कहीं पर भी बॉडी पे इचिंग हो रही हो या लाइट बर्न है आपको, तो आप ये कोकोनट ऑयल लगा सकते हैं और इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होगा आपकी स्किन के ऊपर मेजरली। क्योंकि एक बार आई रिमेम्बर कि मेरे जो स्किन पे एकदम इचिंग होने शुरू हो गई थी स्पेशली सन बर्न से, तो मैंने क्या करा कि लाइट कोकोनट ऑयल थोड़ा सा लगा लिया, उसके बाद जो इचिंग थी वो सेटल हो गई एकदम, वो इचिंग होना बंद हो गई। क्योंकि मैं जब इच कर रही थी तो उससे क्या रहा था कि उस पार्ट को वो रेडिश फॉर्म में लेके जा रहा था और वो उसको स्प्रेड कर रहा था। द मोमेंट आई पुट कोकोनट ऑयल ऑन दैट एरिया वो बिल्कुल सेटल हो गया। फिर भी अगर ये तो हो गया कि इंस्टेंटली आपने क्या सॉल्यूशन देना है अपनी बॉडी को, लेकिन जब भी कोई स्किन इशू है तो बेटर है आप किसी डर्माटोलॉजिस्ट के पास जाइए जो कि स्किन का प्रॉपर ट्रीटमेंट करते हैं। खुद के डॉक्टर मत बनिए गाइज। ये प्रोडक्ट ऑन किया जाता है मारिको इंडस्ट्री लिमिटेड द्वारा, और ये प्रोडक्ट जो हम यूज़ करते हैं हेयर के लिए और स्किन के लिए। हेयर के लिए इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि हमने एप्स में देखा है बेसिकली कि आप पैराशूट कोकोनट ऑयल को आप अपने हेयर पर लगा सकते हैं, और साथ ही साथ स्किन के लिए क्योंकि ये स्किन फ्रेंडली प्रोडक्ट है। गाइस अब हम बात कर लेते हैं उन तीन फैक्ट्स की जो कि मैंने आपको बताए थे कि इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है। सबसे बड़ी बात आप नोटिस करेंगे यहाँ पे लिखा होगा 100% प्योर ऑयल, ये देख सकते हैं। और साथ ही साथ आप यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे ग्रीन डॉट बना हुआ है, और तीसरी बात आप यहाँ देखेंगे यहाँ FSSAI का नंबर मिलेगा आपको। FSSAI का नंबर तब इशू किया जाता है स्पेशली ईटेबल आइटम्स के लिए। गाइस आपने एक्सरसाइज ड्यूटी टैक्स का नाम तो सुना ही होगा, वो कॉस्मेटिक पे मेरे ख्याल से आपको चार्ज करते हैं 8% टैक्स। और क्योंकि इस प्रोडक्ट के ऊपर कहीं पर भी कॉस्मेटिक से रिलेटेड या हेयर ऑयल नहीं मेंशन करा, इस पे एडिबल ऑयल मेंशन करा है, तो कहीं ना कहीं कंपनी का टैक्स बच जाता है इससे। और साथ ही साथ बताना चाहूँगी कि जो कोकोनट ऑयल है आप इससे बहुत सारी चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि ये आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करने के लिए काम आता है। कभी कभी आप सोचते हैं आपकी स्किन बहुत डल हो रही है, आप इसको थोड़े से ड्रॉप्स लेकर अपनी स्किन पे लगा सकते हैं, उससे शाइन ग्लो आ जाएगा आपकी स्किन पर। और साथ ही साथ आप नोटिस करेंगे जैसे आपके नेल ग्रोथ के लिए हेल्प करता है, अगर आप चाहें तो उस पर लगा सकते हैं। नेल के जो इर्द गिर्द की जो स्किन है आउटर एरिया जो है वहाँ पर कुछ लोगों की स्किन फट जाती है, आप रात को सोने से पहले भी हल्का सा उस पर ऑयल लगा लीजिए, तो काफी अगर ये आप 2-3 दिन रूटीन को फॉलो करेंगे तो फॉर श्योर जो आपकी स्किन फट रही है वो भी फटना बंद हो जाएगी। गाइस कंपनी कहीं पर भी क्लेम नहीं करती कि इस प्रोडक्ट को लगाने से स्किन पे आपकी स्किन लाइटन हो जाएगी, फेयर लुक आ जाएगा, ऐसा कहीं पर भी कंपनी क्लेम नहीं करती। तो अगर कोई आपको कह रहा है इस चीज़ के रिगार्डिंग तो वो बिल्कुल ही इनकरेक्ट है। और साथ ही साथ हमारे एंसेस्टर्स, हमारे ओल्ड जो पीपल हैं हमारे घर के अंदर भी होते हैं, वो स्पेशली कहते हैं कि अगर प्रेग्नेंट वुमेन कोकोनट का इंटेक ज़्यादा करे तो उससे जो बेबी है वो फेयर कॉम्प्लेक्शन का बॉर्न होता है। तो आई वुड से जो कलर है स्किन का इट जस्ट अ सिंपली कलर, आपको अपनी स्किन की टेक केयर कीजिए। आई ट्रस्ट माई वर्ड आपकी स्किन अपने आप में ही एक ग्लो करेगी। बट यस आपको एक अच्छा खाना खाना है और अच्छा इनटेक रखेंगे जैसे अपना, वैसे ही आपकी स्किन होगी, आपके हेयर ग्रोथ होगा, आपका नेल ग्रोथ होगा। तो हमारी बॉडी कहीं ना कहीं हमारे इनटेक से और स्पेशली हम किस तरह का प्रोडक्ट यूज़ करते हैं उससे इम्पैक्ट करती है। गाइस अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो रिक्वेस्ट है आपसे कि जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और साथ ही साथ बताना चाहूँगी कि आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आपने इस प्रोडक्ट को कैसे यूज़ किया, और शेयरिंग इज केयरिंग, तो डेफिनेटली इसे अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। और बेसिक डिटेल्स के बारे में बताना चाहूँगी कि ये बॉटल प्लास्टिक की है, कांच की नहीं है, तो आप ये ट्रैवल फ्रेंडली प्रोडक्ट भी है और गिर भी जाएगा तो टूटेगा नहीं, सबसे बड़ी बात है। और जो इसका टॉप है वो एक फ्लिप टॉप है, तो आप इसको इस तरह से देख सकते हैं क्लोज होता है। जब आप इसे परचेज करते हैं तो इसके फ्रंट पे बिल्कुल पतली सी सील होती है, उसको रिमूव करेंगे और उसके बाद जब आप उसे ओपन करेंगे तो बिल्कुल आप इसको देख सकते हैं ये रनिंग फॉर्म में है। और साथ ही साथ अगर आप इसे यूज करेंगे तो ये आपकी स्किन को शाइन दे देता है।
इसकी स्मेल जो है बिल्कुल ड्राई कोकोनट जैसी है। और गाइज, अगर आपके हेयर बहुत ज़्यादा ड्राई हैं तो आप इसे यूज़ कीजिए, मतलब आप 1 to 2 आवर्स इसे लगा सकते हैं शावर लेने से पहले। बट ये नहीं है कि आप 24 24 घंटे इसको लगा के रखिए, क्योंकि आप जितनी देर ऑयल को लगा के रखेंगे अपने सर पे, तो उससे वो डर्ट डस्ट को अट्रैक्ट करेगा। उससे जब ये डर्ट डस्ट आपके हेयर पे अट्रैक्ट होगी तो उससे आपके हेयर गंदे होंगे और ज़्यादा टूटेंगे। और सबसे ज़्यादा हेयर टूटते हैं, हेयर फॉल होता है समर्स के अंदर, क्योंकि क्लाइमेट चेंज होता है तो समर्स में सबसे ज़्यादा लेकिन हमारे हेयर फॉल देखे गए हैं। तो आप अवॉइड कीजिए, अपने हेयर पे ज़्यादा भी ऑयल मत लगाइए। लेकिन हाँ, नहाने से पहले ज़रूर अपने हेयर पे आप हेयर ऑयल लगाना मत भूलेगा। गाइस, आज इतना ही इस वीडियो में, जल्द मिलते हैं नई वीडियो के साथ। अगर आप कोई प्रोडक्ट शेयर करना चाहते हैं कि मैं उस प्रोडक्ट के बारे में रिव्यू करूं, तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। टिल देन टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा और प्लीज़ मेरी वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा और इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि मैंने सब्सक्राइब कर लिया है। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।